अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आई अस्थिरता का असर सोने और चांदी की कीमत पर नजर आने लगा। दीपोत्सव का पर्व शुरू होने से पहले भारतीय बाजार में सोने और चांदी की कीमत में अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। बुधवार को स्टैंडर्ड सोने की कीमत 500 रुपए और चांदी की कीमत 1700 रुपए तेजी में आई। उसके बाद 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 80,800 रुपए पर पहुंच गई, जबकि 1 किलो चांदी की कीमत 1,02,000 के रिकॉर्ड स्तर पर आ गई। सराफा व्यापारियों के अनुसार भारतीय बाजार में दीपोत्सव तक सोने और चांदी की कीमत में तेजी का सिलसिला जारी रहेगा। सराफा व्यापारी अमित अग्रवाल ने बताया कि वैश्विक अस्थिरता की वजह से लगातार भारतीय बाजार में सोने और चांदी की कीमत के इजाफे का सिलसिला जारी है, जो दीपावली तक जारी रहेगा, जिसकी वजह से 10 ग्राम स्टैंडर्ड सोने की कीमत बढ़ाकर 85,000 रुपए, जबकि 1 किलो चांदी की कीमत बढ़कर 1,05,000 रुपए के ऑल टाइम हाई स्तर को छू सकती है। हालांकि इसके बाद कीमती धातुओं की कीमत में मामूली गिरावट आने की संभावना बनी रहेगी। जयपुर सराफा कमेटी की ओर से जारी भाव के अनुसार जयपुर में 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 80,800 रुपए पर आ गई, जबकि 22 कैरेट प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत 75,600 रुपए पहुंच गई। सोना 18 कैरेट 61,200 रुपए प्रति 10 ग्राम और 14 कैरेट 49,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं चांदी रिफाइन की कीमत 1,02,000 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। हमेशा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का हॉलमार्क लगा हुआ सर्टिफाइड गोल्ड की खरीदी नए नियम के तहत 1 अप्रैल से 6 डिजिट वाले अल्फा न्यूमेरिक हॉलमार्किंग के बिना सोना नहीं बिकेगा। जैसे आधार कार्ड पर 12 अंकों का कोड होता है, उसी तरह से सोने पर 6 अंकों का हॉलमार्क कोड होगा। इसे हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी HUID कहते हैं। हॉलमार्किंग के जरिए ये पता करना संभव हो गया है कोई सोना कितने कैरेट है। सोने का यही वजन और खरीदने के दिन उसकी कीमत कई सोर्सेज से क्रॉस चेक करें। सोने का भाव 24 कैरेट 22 कैरेट और 18 कैरेट के हिसाब से अलग अलग होता है। 24 कैरेट सोने को सबसे शुद्ध माना गया, लेकिन इसकी ज्वेलरी नहीं बनती क्योंकि वो बेहद मुलायम होता है। आमतौर पर ज्वेलरी के लिए 22 कैरेट या उससे कम कैरेट सोने का इस्तेमाल किया जाता है।